हेलो दोस्तों एस के इलेक्ट्रॉनिक रख में आपका स्वागत दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे हमेशा दोस्तों मन में दोस्तो, क्वेश्चन आ भी जाता है आपने देखा होगा काफ़ी काफ़ी जो पी सी भी होती हैं हमारी बनी हुई होती हैं किसी में दोस्तों रेक्टिफायर लगा होता है किसी में चार डायोड का उसमें ब्रिज होता है मतलब चार डायोड इस तरह से लगे होते हैं जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जैसे देखिए इसमें चार डायोड लगे हुए हैं ये ये चार डायोड लग रहे हैं ठीक है और ऐसे ही हमारा किसी किसी में ब्रिज रेक्टिफायर रहता है जैसे देख सकते हो इसमें यहाँ पे रेक्टिफायर लगा लगाए इसे रेक्टिफायर बोलते हैं इसमें भी दोस्तों एमपेयर का हिसाब होता है और इसमें भी दोस्तों एमपेयर का हिसाब होता है इस पर एमपेयर लिखे होते हैं लेकिन इसमें साइज से मैंसन करता है कि इसका एमपेयर कितने हैं अगर साइज से नहीं कन्फर्म हो रहा तो उसका दोस्तों आपको नंबर निकाल के उसका पी डाउनलोड करके उससे पता लग जाता है डेटा सेट से जैसे इस पर देखिए लिखा डी पच्चीस एस बी अस्सी तो इसका डी के आगे जो नंबर होगा वही इसके एम्पेयर है डी पच्चीस तो ये पच्चीस एम्पियर का हमारा रेक्टिफायर है तो इसी तरह से दोस्तों रेक्टिफायर में पता लगाया जा सकता है और डायोड में दोस्तों पता नहीं लगाया जा सकता है जैसे यहाँ पे देखिए इसमें एस बी जे पच्चीस दस तो ये हमारा पच्चीस एम्पियर का है ये वाला भी ठीक है ना उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों ये देखिए ये सबसे छोटा है ये लिखा डी टू एस बी ये माँ दोस्तों दो एम्पियर का है छोटे वाला तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ रेक्टिफायर में और ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है ब्रिज में और रेक्टिफायर में दोनों में डिफरेंस बस यही है दोस्तों एक तो दोस्तों चार ये हमारे दोस्तों थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा घेरते हैं जो हमारे डायोड होते हैं ठीक है रेक्टिफायर हमारी उतनी जगह नहीं घेरता और रेक्टिफायर थोड़ा ठीक रहता है लेकिन दोस्तों एक इसमें बड़ा नुकसान भी है एक फ़ायदा भी है अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ चार डायोड में से कोई एक डायोड खराब होता है ऐसे ही इसके अंदर सिस्टम रहता है चार डायोड का ब्रिज बना होता है इसके अंदर उसमें से कोई एक डायोड खराब हो गया तो दोस्तों आपको पूरा रेक्टिफायर ही चेंज करना होगा जिसकी कॉस्ट डायोड से ज़्यादा होती है डायोड आपका दोस्तों एक रुपए के दो भी मिल जाते हैं एक रुपए का एक मिल जाता है लेकिन जो रेक्टिफायर होता है दोस्तों चालीस से पचास रुपए का आराम से मिलता है क्योंकि इससे कम नहीं मिलता है आप बीस बाईस एमपेयर का भी लोगे अगर ये ये वाला रेक्टिफायर भी लोगे कम से कम तीस पैंतीस रुपए से कम नहीं मिलेगा और जबकि ये जो आपका रेक्टिफायर ये वाला जो बना रखा है आपने देसी वाला ये भी दो दो एमपेयर का ही बैठेगा दोस्तों और लेकिन ये आपका तीन चार रुपये का बन जाएगा इसमें इसमें ये अंतर है अब मैं आपको टेस्टिंग में दिखा देता हूँ देखिए दोस्तों ये दोनों ये निगेटिव पॉइंट है ये पॉजिटिव पॉइंट है तो दोस्तों देखिए टेस्टिंग में बिल्कुल सेम आता है यहाँ पे जिधर रेक्टिफायर जो होता है इधर में कटिंग जो होती है साइज ये इसका प्लस होता है और जिधर कटिंग नहीं होती है इसका माइनस होता है बीच वाले दोनों पिन एसी लाइन होती हैं तो दोस्तों देखिए कोई भी नहीं है अब मैं माइनस से ए सी वाली लाइन पे देखता हूँ देखिए ये देखिए ठीक है ऐसे ही माइनस से ए सी वाली लाइन पे, ये देखिए अब मैं माइनस वाले पे, यहाँ पे माइनस का लगाता हूँ प्लस वाले पे, प्लस की तरफ देखिए ये मैं अब माइनस वाले पॉइंट पे प्लस पॉइंट लगा रहा हूँ अब देखिए यहाँ पे देखिए पाँच सौ में ऐसे ही इधर ऐसे ही मैं फिर माइनस वाले पे प्लस लगाता हूँ और इस पर देखते हैं बिल्कुल देखिए सेम है सौ पचास रीडिंग डाउन हो सकती है वो एफेंसी डिपेंड वो डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी है अगर दोस्तों आपकी जितनी इसमें कम से कम होगी जैसे ढाई सौ तीन सौ के तो ये अच्छा काम करेगा मतलब इसमें करंट लॉस नहीं होगा मतलब वोल्टेज लॉस नहीं होंगे देखिए क्योंकि एक रेक्टिफायर जैसे आपने यहाँ पे सपोज कीजिए बारह जीरो बारह दी ठीक है तो आपकी यहाँ क्या लिख लिखड़ेगी ग्यारह जीरो ग्यारह रहेगी मैंने एक एग्जांपल दिया है जैसे आपने यहाँ बारह वोल्ट इनपुट कराई तो यहाँ पे दोस्तों आधा वोल्टेज ये अपने आप में वर्किंग में ले जाएगा तो मतलब इसकी जो वो है एफिशिएंसी वो इतनी अच्छी नहीं है तो वो तो हर डायोड में भी होता है आधा वोल्ट रहता है जो अगर अच्छी क्वालिटी का डायोड लोगे तो कम से कम पाँच छः रुपये का एक ही डायोड होता है उसमें दोस्तों दो सौ सौ सवा सौ ही आती है मतलब आपका पॉइंट में कुछ पॉइंट में आपकी ड्रॉप होती है वोल्टेज तो दोस्तों रेक्टिफायर और डायोड में टेस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है बस डिफरेंस यही है कि दोस्तों अगर ये खराब होता है तो चार में से कोई एक डायोड ही ख़राब होता है क्योंकि दोस्तों अगर आप इससे वर्क करा रहे हो तो दोस्तों उस समय पे दो ही डायोड काम करते हैं आमने सामने के सपोज कीजिए आपने इसमें माइनस माइनस लाइन दी तो दोस्तों उससे प्लस माइनस चेंज करने के लिए एक डायोड प्लस की तरफ काम करेगा एक माइनस की तरफ दो खाली रहेंगे अब हमारा ब्रिज रेक्टिफायरिंग क्यों लगाया जाता है दोस्तों आप एक डायोड से भी चल जाता है वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे कि कैसा भी वोल्टेज दे सकते हैं ये जो पॉइंट है ना माइनस ये माइनस माइनस वाले यानी कि एसी लाइन वाले इस पर आप माइनस प्लस दीजिए तब भी प्लस माइनस निकलेगी आप माइनस माइनस दीजिए तब भी प्लस माइनस निकलेगी अगर यहाँ पे प्लस प्लस दोगे तब भी प्लस माइनस निकलेगी मतलब यहाँ पे घूम फिर फिर आगे कैसे भी वोल्टेज दोगे यहाँ पे प्लस माइनस ही निकलेगी क्योंकि चारों डायोड में से दो डायोड ही काम करते हैं और दो डायोड में से उनमें से ही सिर्फ एक डायोड खराब होता है उस डायोड में से हम इसमें तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इसमें हम चेंज नहीं कर सकते तो बेटर दैन दोस्तों ये अच्छा है लेकिन दोस्तों अगर साइज़ की और क्वालिटी की बात करें तो ये हमारा रेक्टिफायर अच्छा है क्योंकि ये जगह नहीं घेरता है किसी जगह जगह हमें ऐसा लगाना पड़ जाता है कि वहाँ पे ओवर हीट ज़्यादा होता है लेकिन लगाना वही होता है तो हीट सिंग पे इसको माउंट कर सकते हैं लेकिन इस पर कोई हीट सिंग वगैरह हम नहीं लगा सकते दोस्तों यही डिफरेंस है और बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें उसमें तो दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बता देना वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना अपने दोस्तों शेयर कर देना और जो बंदे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो